8.292 एमएएफ था अर्ली खरीफ में, टोटल 33.94 एमएएफ है पूरी खरीफ का अकॉर्ड एलोकेशन, अर्ली खरीफ का है 8.292 एमएएफ, उसकी जगह पे हमें मिला 5.385। अच्छा, हमें पता है पानी की शॉर्टेज थी, पूरा पानी नहीं मिलेगा, और अकॉर्ड में लिखा भी है कि भाई आपका शेयर ये है, हर सूबे का ये शेयर है, और अगर पानी शॉर्ट होगा 10% कमी होगी तो सबका 10% कम हो जाएगा, अगर 10% पानी ज़्यादा आ गया तो हर एक का शेयर 10% बढ़ जाएगा। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अर्ली खरीफ में हमें 35% शॉर्टेज दी गई और बाकी किसी सूबे को सिवाय बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान का जिक्र आगे थोड़ा सा करूँगा, हमसे तकरीबन आधी शॉर्टेज दी गई। जब अर्ली खरीफ में आपने हमें सही पानी नहीं दिया और एंड में जाके जब पानी की थोड़ी सी बड़ी बेहतर हुई सिचुएशन दरियाओं की, तो आपको कंपनसेट करना चाहिए था सिंध को, जो आपने शुरू में हमें शॉर्टेज दी पानी की, इसलिए कि हमारे सारे आबादकार लेट, उन्होंने आबादी की अपनी, अब उनको कंटिन्यूसली पानी चाहिए। इस वक्त एक और दरियाओं में शदीद डिप आ गई है जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई है, और अभी हम चाहते हैं कि हमें कंपनसेट किया जाए। इस पूरे सीज़न में मेरे पास 10 अगस्त तक के नंबर हैं, इसलिए कि ये 20 अगस्त आ जाइए, हर 10 दिन में ये नंबर होते हैं। सिंध ने इस सीज़न में अभी तक 19% शॉर्टेज ली है, और मैं और आपको बता दूँ, मई के महीने में सिंध ने 38% शॉर्टेज ली थी, जून में 27% और जुलाई में 9%, और किसी और सूबे ने सिंध से आधी से शॉर्टेज भी नहीं ली, मतलब आधी से कम शॉर्टेज थी। बलूचिस्तान को मैं इसमें काउंट नहीं करता, इसलिए बलूचिस्तान का मसला, बलूचिस्तान एक हमारी सिंध का इरिगेशन के हद तक एक एक्सटेंडेड हिस्सा है, जितनी हमें शॉर्टेज मिलती है उतनी बलूचिस्तान को मिलती है, चाहे आप कुछ भी कह दें। और इसकी वजह भी है कि बलूचिस्तान का ख़ास तौर पर जो सखर बराज पे उनका नॉर्थ वेस्ट कनाल के थ्रू गड़ंग पे हम उन्हें पानी देते हैं, वो तभी पूरा हो सकता है जब सखर बराज में इस मकदार में पानी मौजूद हो कि हम उसका पॉन्ड लेवल मेंटेन कर सकें। अगर शॉर्टेज जितनी दादू कनाल पे होगी, जितनी राइस कनाल पे होगी, जितनी नॉर्थ वेस्ट कनाल पे होगी, उतनी बलूचिस्तान को शॉर्टेज मिलेगी, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, हम उसके हम कुछ कर नहीं सकते। गुड्डू पे हम उन्हें पूरा पानी देते हैं, तो बाकी सूबों को आधे से कम शॉर्टेज हमसे, और हमें डबल शॉर्टेज दी हुई है। इस वक्त जब हमारा काश्तकार, ख़ास तौर पे हमारा जो राइस वाला काश्तकार है, जिनको पानी की शदीद ज़रूरत है, उनको आपने पानी रिड्यूस कर दिया, जब दरियाओं में पानी कम हुआ, आप हमें कंपनसेट करें और आप हमें अपने हिस्से का पानी, यानी ताकि हमारा हिस्सा बराबर हो सके। इस वक्त जैसे मैं बता रहा हूँ, हमने 19% शॉर्टेज ली है और बाकी सूबों ने तकरीबन आधी शॉर्टेज ली है हमसे। हमें आप आज से लेके 20 अगस्त से लेके इरसा को कंपनसेट करना पड़ेगा, ताकि हमारे आबादगार अपना फसल जो है उसको सही तरीके से पानी दे सके। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये इस वक्त तो बहरान है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारे इरिगेशन में, लेकिन ये बहरान अगर इस तरीके से इरसा वन साइडेड अपने तर्ज पे फैसले करता रहा, तो ये बहरान शहरों में पीने के पानी पे भी आ जाएगा, और उसका मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा होगा। मैं पहले छोटियारी रिजर्वायर जो हमारा है, जिससे हम सांगढ़ में, उमरकोट में, थर में पानी देते हैं, उसका लेवल इस वक्त 6 फुट रह गया है, जबकि नॉर्मली इस सीज़न में इस वक्त वो 24 फुट पानी होता है उधर। दैट मीन्स हम रबी का पानी भूल जाएं, रबी का पानी एग्रीकल्चर के लिए तो छोड़ें, इन इलाकों में पीने का पानी भूल जाएं, इसलिए कि डेड लेवल पे आ जाएगा, तकरीबन डेड लेवल पे, 4 फुट इसका डेड लेवल है, और जब डेड लेवल पे आ जाएगा पानी इधर से ड्रॉ नहीं कर सकेंगे, तो ये सारा इलाका जो पीने के पानी के लिए छोटियारी रिजर्वायर पे डिपेंड करता है, वहाँ से
पानी नहीं दे सकेंगे। हमारा सबसे बड़ा शहर कराची, हमें आपको पता है किंझर से पानी मिलता है, दूसरा हब डैम से पानी मिलता है, हब डैम में तो इस वक्त पानी मौजूद है, लेकिन किंझर पे आज जो लेवल है वो 47.2 फीट है और नॉर्मली इस सीज़न में इस वक्त 54 फीट होता है पानी। इस वक्त जो हमारे पास कोठड़ी बराज में पानी आ रहा है, आज का जो अप स्ट्रीम पानी था वो 36,000 क्यूसिक था और कुछ दिनों में बिकॉज ऊपर से पानी कम होना शुरू हुआ है, मैं आपको बता दूं सक्खर बराज डाउन स्ट्रीम 32,000 है, तो ये पानी जब पहुंचेगा कोठड़ी तक तो ये 25-26,000 रह जाएगा क्यूसिक आज से हफ्ते बाद। और जब ये इतना रह जाएगा तो आप किंझर की भी प्रॉपर फिलिंग नहीं कर सकेंगे, या तो आप अपने क्रॉप्स को बचाएं, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमेशा पानी पीने के पानी को दी जाती है, तो किंझर को पानी दिया जाएगा तो क्रॉप्स भूल जाएं। लेकिन इस फ्लो के बावजूद किंझर उस लेवल पे नहीं होगा और हमें शदीद बहरान पानी का आ सकता है आगे चल के, अगर इरसा ने हमें कॉम्पनसेट नहीं किया। इतनी बातों के बाद सबको पता है कि क्या बहरान है, लेकिन इस वक्त भी चश्मा झेलम लिंक कनाल और तोसना पंजनत लिंक कनाल वो दोनों बह रहे हैं, एक 10,000 क्यूसिक है फ्लो, दूसरे का 5-6,000 क्यूसिक फ्लो चल रहा है इस वक्त। ये 16,000 क्यूसिक ये जब कनाल्स बने थे, और ये मैंने कई बार आपको वो सिंध पंजाब का जो एक अग्रीमेंट 1972 में हुआ था जो चीफ मिनिस्टर साहिबान ने सिग्नेचर की थी, 291 अकाउंट के बाद कहते हैं वो ख़त्म हो गया है, या मैंने आपको सिंध का केस जो हमेशा लड़ा गया है रिगार्डिंग दीज कनाल्स, ये बताया कि ये कनाल्स जो हैं इस वक्त सिर्फ ऑपरेट होने चाहिए जब इंडस पे सरप्लस पानी हो और दूसरे एंड पे शॉर्टेज हो। इंडस पे सरप्लस क्या, आप डाउनस्ट्रीम को तो छोड़ें, डाउनस्ट्रीम भी 8.6 MAF तो वो खुद मानते हैं, हम तो कहते हैं कम से कम 10 MAF होना चाहिए, 8.6 MAF वो खुद मानते हैं, लेकिन इस सीज़न तक इस वक्त 1 या 1.5 MAF से ज़्यादा पानी डाउनस्ट्रीम नहीं गया है, उधर भी आप पानी नहीं दे सक रहे, और आप चश्मा झेलम और तोसा पंजनद लिंक कनाल बाहर है, इरसा कर रही है ये, मेरा किसी सूबे से इतराज़ नहीं है, मेरा इरसा से है, और इरसा एज पर वाटर अकॉर्ड और जो इनका कानून है, ये इरसा का कानून है, ये भी अगर आप लोग सब पढ़ लें, इस इरसा के कानून में लिखा है कि ये पानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर अकॉर्ड, कोई और तरीक़ेकार नहीं लाएंगे, ये रोज़ कोई नया तरीक़ेकार ले आते हैं, जब एक रिजेक्ट होता है तो उसको किसी और शेप में ले आते हैं। मेरी इरसा से और फेडरल गवर्नमेंट से सख्त इत्तेजाज है कि इस सूबे को, आप लोग इस सूबे के लोगों को प्यासा ना मारें, आप हमें कॉम्पनसेट करें जो हमें आज तक पानी कम मिला है, 20 अगस्त या 21 अगस्त से लेके और सितंबर के एंड तक आप बैलेंस आउट करें, जितनी शॉर्टेज किसी और सूबे को मिले उतनी शॉर्टेज हमें मिले, हमें कोई किसी सूबे का हक मारने की हम बात नहीं करते, लेकिन हम अपने हक के लिए तो आवाज़ उठाएंगे। जो शॉर्टेज आप एज पर अकॉर्ड, कोई और फॉर्मूले नहीं लाएं, एज पर अकॉर्ड किसी और सूबे को मिलती है, हमें वो शॉर्टेज में गुजारा करना है, अल्लाह ताला की तरफ से है ना पानी की शॉर्टेज आई, लेकिन जो मैन मेड इंटरवेंशंस करके आप किसी एक इलाके को और ख़ासतौर पर लोअर राइपेरियन को आप पानी कम देते हैं, ये किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद था कि आप लोगों को बताया जाए, आपसे मदद ली जाए, मीडिया के ज़रिए ये बात आए कि जी इस वक्त सिंध एक शदीद बहरान की तरफ जा रहे हैं और ये मैन मेड है कि आप इस सूबे को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हर तरफ दे रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इस पानी, आज पानी का मौजू उस पर बता रहा हूँ, और ये नंबर्स के साथ है जब मैं कह रहा हूँ आपको कि हमें इस वक्त बाकी सूबों से जो ये पीरियड आज तक रहा है तकरीबन हमें डबल शॉर्टेज फेस करनी पड़ी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ, डिमांड मेरी ये है कि 21 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक आप ये बैलेंस करें। मैं ऐसे ही, अगर हमें 10% मिली है शॉर्टेज और किसी और को 5% मिली है, तो आप बैलेंस करें कि दोनों को 7.5% मिले। मैं ऐसे नंबर्स पे आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि सीज़न के एंड तक, ये आपसे दरख्वास्त है कि इसमें आप हमारी आवाज़ बने
और फेडरल गवर्नमेंट से और इरसा से ये डिमांड हो कि हमें पानी का सही हिस्सा दिया जाए। मुझे इतना कहना था, बाकी सवाल जवाब सही अगर आप ले लीजिए। एक सेकेंड सईद, आप अगर बताते जाएंगे तो सवाल ये है कि एक तो हम ये बताएंगे सिंध को, सिंध की जरी मीशत को पानी की कमी की वजह से अंदाजन कितना नुकसान हुआ है, एक तो कोई इस तरह की कोई स्टडी आपके पास आई है, एक तो ये सवाल है। दूसरा इरसा और पंजाब का ये भी इल्जाम सिंध के ऊपर लगाया जाता है कि सिंध में सबसे ज़्यादा पानी ज़ाया होता है, सिंध के लोग सबसे ज़्यादा पानी ज़ाया करते हैं, बलूचिस्तान के इल्ज़ाम तराशी अपनी जगह पे। दूसरा इसी के साथ एक और सवाल भी है कि स्कूल्स के हवाले से भी एक अलग आज आई है बात कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और शायद जो फैसला स्कूल खोलने का था वो भी शायद आप बता कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने कहा ना कि कितना नुकसान होता है, ये मेरा कोई एस्टिमेट नहीं है। इरसा के जो इस वक्त के चेयरमैन है ना, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में इसकी कीमत बताई थी पानी की, मैं उसी को और मैंने पहले भी कोट किया है। उन्होंने कहा एक MAF पानी $1 अरब के बराबर है, $1 बिलियन। हमारा हिस्सा था 8.292, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा इसलिए पानी शॉर्ट आए तो पूरा नहीं मिलना था, लेकिन अगर हमें बाकी सूबों के बराबर पानी की अगर सब अकॉर्ड के तहत पानी शेयर करते, मैं ये थोड़े से ऊपर नीचे हो सकता है बात, तो हमें तकरीबन 7 MAF पानी ज़रूर मिलना चाहिए था, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और हमें मिला है 5.3, यानी 1.7 MAF पानी कम, यानी $1.7 बिलियन। $1 बिलियन है 165 बिलियन रुपए, तो सीधा सीधा 300 अरब रुपए का नुकसान आपने सिंध के लोगों को दिया है। और ये अगेन मेरा नंबर नहीं है, ये जो इरसा के चेयरमैन साहब ने खुद ये एक $1 बिलियन पर MAF का एक नंबर दिया उस पर। दूसरा आपने कहा कि उनकी है कि जी चोरी ज़्यादा होती है और वगैरह, देखिए ये है टेक्निकल इशू, इसको लोग सिर्फ ये इल्ज़ाम तराशी हो, मुझे बड़ा अफसोस होता है कुछ हमारे नादान लोग सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट या इरसा की बात को आगे बढ़ाते हुए, मतलब आपने उनके गुनाह सारे माफ़ कर दिए, हम चले मेरे में कोई गलती है आप उसका हिसाब किताब ज़रूर लें, उनके गुनाह तो माफ़ ना करें ना। हमारे यहाँ लॉसेस, सिंध की टेरेन ज़्यादा फ्लैट है, जब पानी हमारा दरियाए सिंध का हिमालय से आता है तो वो स्लोप ज़्यादा होती है, पानी तेज़ी से आता है, वहाँ पे टेम्परेचर्स कम होते हैं। जब सिंध में आता है, सिंध वैली है, थोड़ा फ्लैट लैंड है, वहाँ पे टेम्परेचर्स ज़्यादा होते हैं, और जब पानी फ्लैट लैंड है तो उसकी वेलोसिटी कम, ये टेक्निकल हो जाऊँगा मैं बहुत ज़्यादा, वेलोसिटी कम होती है, इवेपोरेशन ज़्यादा होती है और लॉसेस ज़्यादा होते हैं। आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते, आप हिस्टोरिकली देख लें ये। अब ये नंबर्स देखें ना, फिर करते क्या है कि इरसा किसी और सियासतदान को ये बता दिया, उसको कह दिया जी सिंध में शॉर्ट जो लॉसेस हैं वो 10% हैं और किसी और सूबे में 8% हैं, देखिए ये 2% की चोरी हो रही है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इस तरीके से नहीं होती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि यस, कोताहियाँ अगर हैं और होती हैं, उन पे हम सख्ती से, जीरो टॉलरेंस ऑन दिस। जाम साहब खुद बैठे हैं, उनको यही हिदायत है, और वो खुद भी किसी को भी पानी चोरी में जो मुलव्वस है क्या उसको कोई हम रिलीफ नहीं देंगे। लेकिन आप इसकी वजह से जो बड़ा हम पे ऊपर जुल्म हो रहा है या बड़ा एक नुकसान कर रहे हैं उसको आप नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ आपने अगर स्कूल्स वाला अभी बता देता हूँ, मेरी सुबह एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी, वो खुद ही करेंगे, हम एक हफ्ता और स्कूल्स, यही हमने इस वक्त जो पोजीशन है कि नहीं खोलेंगे, हम चाह रहे हैं कि इस एक हफ्ते में स्कूल टीचर्स, बच्चों के पेरेंट्स जो स्कूल भेजेंगे वो वैक्सीनेशंस कराएं। इंशाल्लाह ताला 100% वैक्सीनेशन, यानी स्कूल का स्टाफ, टीचर्स और बाकी स्टाफ, और बच्चे, अगर मैं अपना बच्चा भेजना चाहता हूं तो मुझे अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा।
ये एक रिजीम फॉलो करके एक हफ्ते के लिए, फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम स्कूल खोलेंगे, लेकिन वो मिनिस्टर साहब उसकी ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे बात। वफाकी हुकूमत जो नफीस इतिहादीन पानी के अहम मामले में उनका रोल किए दसो था पाया, उनके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर कराची की मौजूदगी जो फायदो वे तक यो पुछा कर चाहम जो कराची की सिंधी आबादी जी उत सहूलत की अणु हों पानी बिना रोड रस्ता नाल समेत काफ़ी मसला उतने उन्होंने रिजोल्व करने उपाय वी रहा होता। देखिए आपके दो सवाल हैं, मैं किसी और के बारे में, मैं किसी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, वो अपना जवाब खुद दे सकते हैं, लेकिन उनका जो किरदार रहा है, और मैंने यही कहा ना, मैं अगेन कोई स्पेसिफिक हुए बगैर सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जो हमारे साथ यानी सिंध के साथ एक बड़ी हक तलफी हमारी हो रही है, उसको आप आपस के इख्तलाफात में, मेरे से इख्तलाफात आपके 100 हो सकते हैं, लेकिन आप उसको जस्टिफाई ना करें। मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त सबसे है कि सिंध की जो हक तलफी हो रही है उसको आप अपने पर्सनल ईगो अना का मसला ना बनाएं। उधर आप हमारे साथ रहें। मैं तो असेंबली में जब तकरीर की थी तकरीबन 2 या 3 महीने पहले और वो केस दिया था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि सारे लोगों ने मेरा साथ दिया था। उधर एक एक ऑपोजिशन के मेंबर ने खड़े होकर कहा था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद उनका एक नया चेहरा नज़र आ गया। अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जो हमारे सिंध के लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ हैं उसमें आप हमारे साथ रहें, बाकी सियासत या आपके अपनी पॉलिसीज़ हैं, हमारी अपनी है, पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ को सिंध के लोगों ने कबूल किया है, इसी वजह से सिंध के लोग 3 इलेक्शंस बल्कि हर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा सीटें सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को दी हैं, तो वो सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा आपका सवाल था कि कराची की, पूरा कराची एडमिनिस्ट्रेटर साहब मौजूद हैं, कोई तफरीक नहीं होगी कि जी इधर कौन रहता है, किसका वोटर है। इंशाल्लाह ताला हमारी हिदायत, पार्टी लीडरशिप की हिदायत एडमिनिस्ट्रेटर कराची को यही है कि बिला तफरीक आप जब तक इलेक्शन होते और आए नुमाइंदे, हम ऐसा एक मॉडल सेट करके जाएं कि आगे आने वालों को भी मुश्किल हो उससे पीछे हटने में। हम अपने रेवेन्यू कलेक्शंस को इस तरीके से बेहतर करें, आप ट्रांसपेरेंसी लाएं अपने खर्चे में, और जैसे मैंने कहा बिला तकरीफ तफरीक हर एक शोबे की आप मदद करें। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले के तहत जो 2010 में आपकी हुकूमत ने जिन लोगों को बहाल किया था उन्हें बेरोजगार किया है। आप समझते हैं बेरोजगारी कोरोना के दौरान कितना बड़ा अजाब है, एज ए चीफ मिनिस्टर आप इस बारे में क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट को बेरोजगार करने का हक तो नहीं होना चाहिए? देखें बेरोजगार करने को किसी को हक नहीं है, मैं कोई कोर्ट या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन इस पे वाजिया कर चुकी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है, कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इसको रिव्यू करें। ये बड़ा एक कहते हैं ना, अचानक से एक हज़ारों ख़ानदानों के ऊपर एक बिजली गिरा दी गई है। ये वो लोग हैं जो 96 में निकाले गए थे नौकरियों से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बेसिस पे, बड़ा क्लियर था ये। और सिंध के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रेलेवेंट ये मामला इसलिए है कि इसमें मेजॉरिटी सिंध के लोगों की है, इसलिए कि 96 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी और उसके बाद जो हुकूमत आई थी, जिस तरीके से ये हुकूमत, मैंने कहा ना सिंध दुश्मनी पर उतर आई हुई है, सिंध के लोगों की दुश्मनी पर उतर आई हुई है, उस तरीके से उन लोगों ने लोगों को निकाला था। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये वादा था, और हम कहते थे कि शहीद आएगी और रोज़गार लाएगी, तो सबसे पहले हमने सिंध में भी उनको जो निकाले गए थे उनको रखा था। वफाक ने तो एक एक्ट के ज़रिए
एक लेजिस्लेशन की नेशनल असेंबली और सेनेट में उसको पास कराया, बाकायदा कमेटियां बैठी और इन लोगों को बहाल किया गया। और ये आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, ये केस 2011 से चल रहा है, यानी 10 साल केस चला है, तब तक ये काम करते रहे। आखिरी हियरिंग इसकी दिसंबर 2019 में हुई है, यानी 1 साल 8 महीने तकरीबन और ये लोग काम करते रहे। अब अचानक एक ऑर्डर आ गया कि जी ये सब छुट्टी नौकरी चाहिए, और उसमें कहाँ कहाँ के लोग हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, कमिश्नर अफगान रेफ्यूजीज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, PTCL, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन इस्लामाबाद, स्टेट लाइफ, सिविल एविएशन अथॉरिटी, वापटा, सुई सदन गैस डिपार्टमेंट, एजुकेशन फेडरल में जो है उनका डिपार्टमेंट उसमें, और ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये मुझे जो पता है। अब आप सोचें हज़ारों की तादाद में एक जगह से, इस वक्त हालत ये है कि मैं आपको बताऊं कि वफाक से 21 ग्रेड में 16 लोग वफाक ने हमें देने, जो एक शेयरिंग फार्मूला है जिसको मैं पूरी तरीके से अग्री नहीं करता हूँ लेकिन है इस वक्त, और वफाक ने 5 दिए हुए हमें, 11 मतलब उनके पास लोग नहीं है देने के लिए। 20 ग्रेड में 142 लोग उन्होंने हमें, 142 टोटल, 48 वहाँ शॉर्टेज है, मुझे नंबर एग्जैक्टली 48 20 ग्रेड की शॉर्टेज है, आपके पास लोग हैं नहीं और आप बाकियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भर्तियाँ करें, वी नीड टू रिक्रूट, आपको नौकरियाँ और देनी है। तो मेरी दरख्वास्त यही होगी हुकूमत सिंध की तरफ से, सिंध के लोगों की तरफ से, और ख़ास तौर पर हज़ारों की तादाद में जो लोग अफेक्ट हुए हैं, हज़ारों की तादाद में ख़ानदान जो अफेक्ट होंगे, उनकी तरफ से कि एक लीनियंट व्यू लें, ये फैसले पे नज़र सानी करें और इन लोगों को नौकरी से ना निकालें। जो ही में ही नए गाज आए हैं, नए गाज जो मंसूबो है डैम जो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरकार शुरू कर इन वक्त ही वो मंसूबो मुकम्मल न थी सको है। गुजरल 2 साल का नए गाज में बोड रही है, अढ़ाई लख क्यूसिक पानी कढ़ो नए गाज, जो वो पानी स्टोर थे हाथ में समझा तो जो ही ताल के काचे जो मसलो हल थी वा नए गाज आखिर छो नी ठे हों चवे। अगर अगेन ये जो आपने बता रहे ये फेडरल मनसूबा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने इसको ज़रूर आगे बढ़ाया था, लेकिन 2013 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। पिछले 8 साल से फेडरेशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं रही है, और इस वजह से सिंध, ये तो एक मंसूबा आप बता रहे हैं ना, मैं आपको कई मंसूबे बता सकता हूँ जो नहायती डिले हुए हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने किए हैं। आपको इरीगेशन में कई और फॉल्स स्ट्रक्चर्स के हमारे जो सालों से चल रहे हैं, हमारा RBOD का प्रोजेक्ट है वो सालों से चल रहा है, और ये फेडरल गवर्नमेंट जो मैं कह रहा हूँ ना, और ये अगेन मैं कह रहा हूँ ये सिंध दुश्मनी या सिंध के लोगों से दुश्मनी कोई रूरल तक महदूद नहीं है। मैं ये कराची का जिक्र मैं बात कर देता हूँ, 2000 मुझे अच्छी तरह याद है, 2016 के शुरू में उस वक्त के वज़ीर आज़म आए थे, उन्होंने कहा था मैं कराची को तोहफा दे रहा हूँ ग्रीन लाइन का और मैं 1 साल में बनाऊँगा। आज 2021 हो गई है, 6 साल हो गए 1 साल को। जब पिछली गवर्नमेंट गई थी अप्रैल 2018 में, वो इस मंसूबे को जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो 80% से ऊपर कंप्लीट कर ली थी उन्होंने। 3 साल इस हुकूमत को आ गए, अब ये कह रहे हैं कि जी बसें आ गई, बसें चढ़ रही हैं, बसें उतर रही हैं, बसें चल रही हैं, अभी बसें शिप पे पहुंचेंगी, अब जहाज़ में आएंगी, फिर बस की लोकेशन देंगे, फिर बस की तस्वीरें खींचेंगे। वो भाई ये तस्वीरें नहीं चाहिए, ये बसें 3 साल पहले आ जानी चाहिए थी हमारे पास। ये है सिंध के साथ दुश्मनी, सिंध के लोगों के साथ, चाहे वो रूरल एरिया से हो, चाहे वो देही सिंध के लोग हो, चाहे वो शहरी सिंध के लोग हो, और उसी पे मैं शोर मचाता हूँ, कहता रहता हूँ। तो ये आपने बताया बिल्कुल मंसूबे जो वेटलम आ रहे हैं, और मैंने अभी भी सारी इस पर बात की थी, इस वक्त
मैं वही रिपीट करूंगा, उनको अच्छी नहीं लगती मेरी बातें, फिर वो फिर सारे शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक आ जाएगा कि पंजाब में या किसी सूबे का नाम लेने, बाकी मुल्क में आप बड़े बड़े शाहराहें बना रहे हैं, आप अरबों के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 30-30, 35-35 अरब का एक प्रोजेक्ट है, और हमारे यहाँ आप किसी की गली बना रहे हैं, किसी का सीवरेज लाइन डाल रहे हैं। मैं कल परसों गया था, मैं डिफेंस की तरफ जा रहा था, तो आप अभी आगे देख लें, जो जब आप गिजरी से जाते हैं डिफेंस की तरफ सनसेट बुलेवर्ड में आने से पहले, देखो रोड टूटा हुआ है बीच में। मैंने कहा ये रोड कैसे टूट गया, जो हमने ब्रिज बनाया है उधर दूसरी तरफ ब्रिज है जाते हुए, मंजूर साहब रोज़ गुजरते होंगे उधर से, ये कैसे टूट गया पंजाब उससे आगे, ये रोड कैसे टूट गया। पता चला कि जी ये कुछ लोगों ने, कुछ MNA MPA की स्कीम थी, और उन्होंने ये रोड जो है वो खोद के और उसको इनकम्प्लीट करके चले गए। एक महीना, मैंने कल परसों देखा ये, मैंने उसी वक्त एडमिनिस्ट्रेटर साहब को मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया जी कंटोनमेंट के एरिया। मैंने कहा कंटोनमेंट को आप 3 दिन का टाइम दें, 3 दिन में अगर वो सही नहीं करते हम अपने पैसों से सही कराएंगे, इनका काम है उजाड़ना तोड़ना, हमारा काम है क्या करें, इस तरीके की हुकूमत से पाला पड़ा है तो ये करना पड़ रहा है हमें। आप अरसा के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर टेलीमेट्री सिस्टम जो है, जो अभी सिंध पे इल्ज़ाम लगता है कि वो पानी ज़ाया कर रहे हैं, तो टेलीमेट्री सिस्टम सिंध कबूल नहीं कर रहा, या वफाक नहीं दे रहा, या कोई और सूबा नहीं रहा। इसके साथ एक और सवाल भी है, जैसे आप अफगानिस्तान में सूरतहाल देख रहे हैं, वहाँ से अफगान रिफ्यूजीज बड़ी तादाद में आ रहे हैं, वो कराची पहले ही दबाव का शिकार है, और खुद कह रहे हैं कि फसलों का नुकसान है, तो सिंध गवर्नमेंट ने उन अफगान पनाह जो है उनको रोकने की क्या कोशिश की है, क्या? सबसे पहले तो आपने कहा टेलीमेट्री सिस्टम, ये यही बात है कि डाइवर्ट करके, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं भाई, टेलीमेट्री सिस्टम तो बाद में आएगा ना, आप इस अकॉर्ड को मानने के लिए तैयार नहीं हो, आईन को मानो तो सही ना, फिर कहो कि जी आईन की खिलाफ वर्जी हो रही है, अकॉर्ड ये मानने के लिए तैयार नहीं है। टेलीमेट्री सिस्टम में हमें कोई एतराज नहीं है, जब चाहे लगाए, जहां चाहे लगाए, मैं पूरा खुलेआम कहता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, हम उसको वैलिडेट करेंगे, हम खुद अपना देखेंगे कि वो सही कि नहीं है, लेकिन उससे पहले आप हमारे हक को तो मानो। टेलीमेट्री सिस्टम यही होगा ना कि जी 100 यूनिट पानी आ रहा है सिंध का शहर, उसमें से अगर 40 यूनिट है तो पहले वो 40 यूनिट तो मानो, ताकि मेजर किस चीज़ से करोगे टेलीमेट्री को। तो मेरा जवाब यही कि ये होती हैं चीज़ें डाइवर्ट करने की बातें, आप हमारा हक मानो, और इस वक्त जो भी सिस्टम अवेलेबल है, सिस्टम को बेहतरी में कोई इतने, उस सिस्टम में हमें अपना पूरा शेयर दो। दूसरा, आपने अफगान रेफ्यूजीज़ की बात की, बड़ी, और इस पर काफ़ी अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट फिर सूबों को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करती इस चीज़ के अंदर। हम तो जो सुनते हैं, मैंने अभी परसों भी सुना था, परसों से आज की चेंज हो गई तो मुझे नहीं पता है कि फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर साहब टेलीविज़न पर कह रहे थे कि जी एक बंदा क्रॉस नहीं करेगा, कोई एक नहीं गया, हर बॉर्डर पे सिचुएशन बड़ी नॉर्मल है, उड़ के तो नहीं आएंगे, आएंगे बाय रोड। और रेफ्यूजीज हमें बड़े हर एक के साथ, जो भी रेफ्यूजीज हैं उनके साथ हमदर्दी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आर ओन पीपल, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन आर प्रोविंस और इन आर कंट्री। वफाक की ये जिम्मेदारी है कि वो रेफ्यूजीज जो, अगर जेन्युइन बोनाफाइडी रेफ्यूजीज आते हैं तो उनका इंतज़ाम बॉर्डर पे करें। और अभी तो वो क्लेम कर रहे हैं कि एक भी नहीं आए, आप लोग कह रहे हैं, या तो आप उनसे सवाल करें। मैंने फेडरल मिनिस्टर साहब को खुद सुना, उन्होंने कहा कि ये सवाल ही नहीं पैदा होता हमारे हर बॉर्डर पे, बल्कि वो तो कह रहे थे लोग वापस जा रहे हैं, मैंने यही सुना था, वो कह रहे हैं कि लोग वापस जाने के लिए कमर बस्ता है कि किसी तरीके से हम वापस जाएँ। बड़ी अच्छी बात है, हम तो जाते हैं, तो ये चीज़ें उधर से सवाल होनी। हम एज़ फार एज वी आर कंसर्न, हमने इस पर सख्त नज़र रखी हुई है, मैंने होम डिपार्टमेंट पुलिस को हिदायत दी हुई है, और मैं उसको वीकली रिव्यू भी कर रहा हूँ, दोबारा मंडे को रिव्यू होगा इसका, ये आशुरे की वजह से इस हफ्ते मैंने रिव्यू नहीं किया, वो मंडे को पोस्टपोन कर दिया, रिव्यू होगा और हम इस पर नज़र रख रहे हैं। मेरा सवाल यही कि सिंध में सबसे ज़्यादा मसला तो यहाँ के शहरियों को, खासतौर पर कराची में, ट्रांसपोर्ट का ही है,
और अब आपने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी कहा कि जी वो कराची में बिला तफरीक काम करें। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कुछ दर्जनों या 100 से ज़ायद बसेज हैं जो खड़ी है और वो चलने के काबिल हैं, हमने जो मालूमात हासिल की है, बट वो रोड पर नहीं है। इसके अलावा पीपल्स बस सर्विस के नाम से 8-10 बसें शुरू हुई थी 2 साल पहले, बड़ी पब्लिसिटी बंद हो गई। एक इलेक्ट्रिक बस का मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने बड़ा इफ्तिताह किया और कहा कि कुछ दिनों बाद और भी बसेज इलेक्ट्रिकल आ जाएगी, तो ट्रांसपोर्ट तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा अंदाज़ है। मैं बताता हूँ, हाँ बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि इश्यूज़ हैं इसमें। KMC की जो बसेस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठे वो खुद ही उसका जवाब देंगे, मुझे तो पता भी नहीं है ना, यू नो, बिकॉज KMC पिछले 2 टर्म्स तो कोई और लोग चलाते रहे हैं, हमें बीच में इंटरिम मिली है और उसमें भी हमारे ऊपर प्रेशर डाल के किसी तरीके से, प्रेशर नहीं डालना कहना चाहिए कि एक माहौल बना के, हम तो चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन मेरे हिसाब से ख़ासतौर पे कराची जैसे शहर के लिए एक पॉलिटिकल ओनरशिप जब तक नहीं होगी आप नहीं उसको एड्रेस कर सकते, और इसीलिए हमने लीडरशिप ने ज़रूरी समझा और फिर सलाह मशवरे के बाद हमने मुर्तज़ा साहब आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। जहाँ तक आपकी बाकी है, तो इस वक्त इस बजट के अंदर हमने तकरीबन 8.5 अरब है, मुझे एक सही 8.5 अरब रुपए रिलीज्ड, और उसकी जो भी LCs वगैरह वो खुल चुकी हैं, 17 को टेंडर खुला है जो बता रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, और मिनिस्टर साहब उस पर बड़ी कोशिश करें कि वो बसेस कराची के अंदर आ जाएं और इसी साल के अंदर इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। मैंने इसका रिव्यू करना है एग्जैक्टली कि कब डेट है, लेकिन हमारा टारगेट यही है कि इसी साल के अंदर 100 बसेज हैं, कितनी है, 200 बसेज हैं, सॉरी 200 बसेज हैं, वो आ जाएंगी, उसके पूरे पैसे एलोकेटेड हैं, पूरे पैसे अवेलेबल हैं, रिलीज हैं, तो बाकी सिर्फ टाइम, बिकॉज ये बनवा रहे हैं, यू नो स्पेसिफिक बसेज है, ऑफ द शेल्फ कोई ख़रीद नहीं सकता इतनी बसेज, इस वजह से वो इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। लेकिन मैं कामरान आपकी इस बात से हूँ कि यस, थोड़ा सा और प्रोएक्टिव इस चीज़ में हमें होना चाहिए था। और जो हम देख रहे हैं कि सिंध और वफाक के दरमियान जो तनाव बरकरार है, आइंदा 2 साल में भी जो है ना ये सूरत हाल ही बरकरार रहेगी, तो ये बता दें कि सिंध हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक के अलावा और क्या करने जा रही है, सिंध हुकूमत की वाज़े हिकमत अमली क्या है, क्योंकि इस मरतबा तो बलूचिस्तान हुकूमत भी आपका अलीफ होने के बजाय अरीफ की सूरत में आया और बार बार ये धमकियाँ देता है कि जी वो क्या कहते हैं अब डेम का पानी बंद कर देगा, तो इस तरह करने क्या जा रही है सिंध हुकूमत इस पूरे सूरत। हम जो भी आयनी तरीका है उसको इस्तेमाल करते हैं, ये पानी का इशू भी CCI में पेंडिंग है अभी से नहीं, ये पानी अकॉर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन का मामला अगेन मार्च 2018 से पेंडिंग है, आज 3.5 साल उसको होने लगे हैं तकरीबन, उसमें भी एक रिपोर्ट आ गई थी, अनवर मंसूर खान साहब अटॉर्नी जनरल साहब थे, उनकी रिपोर्ट मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सिंध का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 91 के अकॉर्ड के तहत होनी चाहिए। दिसंबर 2019 में, अगर हो सकता है डेट्स आगे पीछे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 2019 में दोबारा CCI में तकरीबन उसको मंजूर करके, अगर आप उसके मिनट्स भी जाम खान साहब आपसे किसी वक्त शेयर कर लेंगे, सब ने सपोर्ट की, एंड में वो हो गया कि जी एक और कमेटी बना दी जाए। अब उधर मेरे पास यही ऑप्शन था, या तो वो उसको रिजेक्ट करें या दूसरी कमेटी की तरफ जाऊँ, 1.5 साल से ऊपर हो गए, वो दूसरी कमेटी अपना फैसला नहीं दूसरा की, और मैंने जो सुना है कि वो दूसरी कमेटी अब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन वो कहती है ये मसला है ही नहीं, ये सियासी बात है, सियासी बात नहीं मैं लीगल बात है, जिसका लीगल जवाब मुझे चाहिए कि अकॉर्ड के अंदर ये लिखा है और उसके पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होनी चाहिए। तो मैं कोई और बड़ी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन हम हर किस्म का अपना कानूनी और आईनी जो भी हमारे पास है ऑप्शंस वो इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे। आप लोगों से बात करने की है कि हमें थोड़ा सा एक प्रेशर भी चाहिए कि सिंध के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो अगर सब तरफ से आवाज़ उठे, और मैं अपने दोस्त जो इधर के हैं जो बुग्ज़े माविया में अपने हिस्से को छोड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ ये कि इनकी उनको बुरा भला किस तरीके से सिंध हुकूमत को कह दें वो ना करें, आप बाकी हमें जो क्रिटिसाइज़ करना है करें,
लेकिन आप हमें जो सिंध के इश्यूज़ हैं उस पर सपोर्ट करें ताकि फेडरल गवर्नमेंट को ये एहसास हो कि सिंध के लोगों को आप इस तरीके से नहीं रोन सकते। और दूसरा ये है कि दीगर ममालिक तीसरी डोजेस की तरफ जा रहे हैं, तो क्या आपने वफाक से बात की है जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उनको तीसरी डोज लगाई जा सके? अच्छा, पहली चीज़ का ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट और इसकी तो अभी लोग बात कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने बहुत पहले ये बात की थी, और जब वो सदर थे तो उन्होंने स्पेसिफिकली और उसके बाद से आज तक कहते हैं कि पानी की कमी होती चली जाएगी, आपको एफिशिएंट तरीके चाहिए, आपको पानी को बचाना। इसी वजह से हमारी लाइनिंग के जो बेतहाशा प्रोग्राम्स हैं सिंध के अंदर वो किए हैं, और ये हम उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और इस वक्त भी हम तो इसलिए कि जो क्वांटम चाहिए हमें पैसों का वो बहुत ज़्यादा है, तो हम इंटरनेशनल एजेंसी से भी जब मैं मिलता हूँ बात करते हैं कि जी पानी ऐसी रिसोर्स है जिसके बगैर हमारी पूरी मईशत इस पर डिपेंड करती है, तो और अगर इसकी कमी को हम किसी तरीके से ऑल्टरनेट यानी पानी बचाना ज़्यादा एफिशिएंट तरीके इरिगेशन के उन्होंने इस्तेमाल कर सके तो हमें आगे जाके और प्रॉब्लम होगा। तो ये बिल्कुल हम इस पे देख रहे हैं सिर्फ इस चीज़। और हम फेडरल गवर्नमेंट से भी कहते हैं, जब हम बात करते हैं ना जब बिजली की कमी होती है, हम कहते हैं कंजर्वेशन मेथड्स की तरफ जाओ यार, और ऑल्टरनेट देखो, सोलर पे जाओ, हमारा कोयला है उसको इस्तेमाल करो, वो अपनी बस चीज़ें जो हैं उस पर लगे होते हैं। इसी तरीके से सिंध बड़ा इसमें मेरा ख्याल है कि फ्यूचरिस्टिक थॉट सिंध की खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की है और सिंध हुकूमत की है। कोविड के हवाले से आपने कहा, देखें मेरे अभी WHO के कंट्री हेड भी आए थे कोई हफ्ता 10 दिन पहले, और उनसे भी बात हुई थी। कंसर्न ये है और राइट कंसर्न है कि हमें सबसे पहले अपनी आबादी को पहला डोज यानी पहला फर्स्ट और सेकेंड डोज पहला कोर्स कराना चाहिए, उसके बाद आप जा सकते हैं बूस्टर डोज या उस पर। तो मैं उसको इस वक्त बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ। और अगेन, अगर डॉक्टर साहिबान या हेल्थ प्रैक्टिशनर्स कहेंगे कि नहीं जी आपको अब ज़रूरी है कि जो लोगों को बूस्टर लगाना है, नहीं तो उनकी अफादियत भी ख़त्म हो जाएगी, तब हुकूमत को फैसला वो करना होगा। तो हम जाएंगे डॉक्टर्स की राय के मुताबिक, और हम हर फोरम पे मैं ये कहता हूँ कि जो फैसले किए गए हैं वो हमने नहीं किए, वो जो टास्क फोर्स बनती है, हम जो फैसले करते हैं या जो NCOC को और फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देते हैं वो एक कलेक्टिव थिंकिंग की होती है, जिसमें हर शोबे से लोग, गवर्नमेंट के लोग, लॉ एनफोर्समेंट के लोग, इंटेलिजेंस के लोग, और सबसे ज़्यादा जो उस पर वेट आता है, वेटेज देते हैं हम, वो डॉक्टर्स को देते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स के हमें वो जो एडवाइस करें, वो जो एडवाइस करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। अगर नाम भी बता दीजिएगा सर, ये फरमाइए कि ये स्कूल बंद करने का जो फैसला है, स्कूल बंद करने का जो फैसला है वो कह रहे हैं, नाम अपना बता दे पहले। मेरा नाम है रेहान अहमद फ्रॉम समा टीवी। जी रेहान, स्कूल बंद करने का जो फैसला है वो किस डेटा की बुनियाद पर किया जाता है? पहले स्कूल बंद होते हैं फिर स्कूल बंद रखे जाते हैं, तो उसमें बाकी चीज़ें तो बड़ी जोर शोर के साथ खुली हुई हैं, मुहर्रम के जुलूस जो हैं वो भी भरपूर अंदाज में निकले हैं, एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, वालदैन का कहना ये कि स्कूल वाले जो हैं वो तो फीस की डिमांड करते हैं, यहाँ पर जॉब नहीं है, दूसरे मसाइल हैं, तो या तो स्कूल मुस्तकिल तौर पर खुले जाएँ या फिर ये है कि उनका जो है फीस माफ़ की जाए, ये दो मेरे सवाल हैं। देखिए, पहला आपका कि क्या डेटा है, डेटा है बिल्कुल, जब भी हम फैसला करते हैं पहले सईद एजुकेशन मिनिस्टर थे, बैठ के बाकायदा जो टास्क फोर्स है उसके अंदर डेटा ये बताया जाता है, अभी सरदार शाह साहब हैं उन्हीं लाइंस पे चल रहे हैं। होता ये है कि हमने ये देखी है पैटर्न कि जब भी स्कूल्स खोले जाते हैं, खुले हैं पिछले दिनों में, उसके बाद एक स्पाइक आती है। उसका बहुत सिंपल रीज़न है कि बच्चे अल्लाह ताला का शुक्र है कि अफेक्ट कुछ कम होते हैं इस डिज़ीज़ से, लेकिन जब वो घरों में जाते हैं और छोटे बच्चे के साथ ख़ासतौर पे आप उनके चाहे वालदैन हो चाहे उनके दादा दादी और नाना नानी हो, उम्र रसीदा जो उनके बड़े होते हैं, वो सब बच्चों से प्यार भी करते हैं,
बच्चे खुद इन्फेक्ट होते हैं, उन पर फर्क नहीं पड़ता, उनको नहीं पता चलता, लेकिन वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि और जगहों पे ये ख्याल रखा जा सकता है। तो ये डेटा की वजह से ये सारे फैसले किए जाते हैं। और इस वक्त भी हम क्या कह रहे हैं कि हम सिर्फ, जैसे मैंने अभी शुरू में बताई थी बात, कि ये सॉर्ट ऑफ कंसेंसस या हमारी तरफ से ये बात आ रही है कि हम वैक्सीनेशन पे थोड़ा जोर दें, और ना जैसे बच्चों को तो वैक्सीनेट नहीं कराना अभी, लेकिन उनके वालदैन को, उसी बच्चे को आने दें जिसके वालदैन अपना सर्टिफिकेट जमा कराए। बड़ा मुश्किल काम है ये करना, लेकिन ये थॉट है। दूसरा आपने कहा यस, ये एक कंसर्न ना सिर्फ इधर है, माशी तकलीफ हर एक को हुई है। जब हम दुकान कोई शौक से बंद नहीं कराते, लोग समझते पता नहीं कि, कुछ लोग लोग नहीं समझते, इम्प्रेशन ये दिया जाता है कि हम शायद कोई दुश्मनी पे उतर आए लोगों से और दुकानें बंद करा रहे हैं। मेरा ख्याल है अल्लाह ताला हर एक को जज करेगा। जो स्टेप्स हुकूमत सिंध ने लिए उससे सबसे ज़्यादा कराची के लोगों को फ़ायदा हुआ, सिंध के पूरे सिंध के लोगों को फ़ायदा और पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। तो ये उसके, देयर इज अ कॉस्ट टू एवरीथिंग, देयर इज अ कॉस्ट टू इट। और उस कॉस्ट में आप सही कह रहे हैं, अब स्कूल की फीस माफ़ कर दी जाए, हमने बीच में एक दो किए थे, सईद ने उनको सारों को बुलाया था, टीचर जो स्कूल ओनर्स थे, वालदेन थे, उनके साथ कुछ बात, लेकिन वो इश्यूज अभी तक हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम बोझ डाला जाए। गुज़श्ता 13 सालों में इस हवाले से कोई मनसूबाबंदी भी नज़र नहीं आ रही है। कहीं वाफर मकदार में पानी मौजूद है तो किसी इलाके के लोग बूंद बूंद को तरस रहे होते हैं। आपकी मौजूदा हुकूमत आने के बाद आपने एक कमेटी भी बनाई थी कि समंदर के पानी को मीटर किया जाए, शायद सईदगंज। उस कमेटी का क्या हुआ, उस प्लान का क्या हुआ, कब तक ये मसाइला? वो प्लान बिल्कुल है, और इस वक्त हम एक, मैं ये नहीं कहूँगा एडवांस स्टेज पर, इसलिए कि ये अगेन एक एक्सपेंसिव प्रपोज़ल है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, इसलिए कि आप स्पेसिफिकली शायद कराची के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं वही जवाब दूंगा कि कराची के लिए हमारी, अपार्ट फ्रॉम K4, जो हम फेडरल गवर्नमेंट K4 बना रही है और हम उसका फिर जो ऑगमेंटेशन करेंगे, उसके अलावा हम दो बड़े प्रोजेक्ट्स, एक ताबेजी से पानी लाने का और एक हम डैम की, वो हम एक एडवांस स्टेज पर पहुँच गए, इंशाल्लाह ताला उसको हम देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का जहाँ तक ताल्लुक है, यस प्रॉब्लम्स हैं, ओवर द इयर्स लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। अभी जो पाइपलाइन ये ज़ेर ज़मीन जारी होती है, उनसे बेताशा याम खान रहे हैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट के, कई चोरी होती हैं, कितने इन्होंने पकड़े, उसके बाद दूसरे वज़रा आए उन्होंने पकड़े, लेकिन एक माहौल ऐसा क्रिएट किया हुआ है कराची में। तो हम इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एक प्लान है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला फ़र्क आप देखेंगे बहुत, सप्लाई में, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में और लॉसेस को कम करने में, इन तीनों एरियाज की तरफ हम कर रहे हैं काम। आखिरी सवाल आपसे, मेरा सवाल सब जो पाकिस्तान के दरियाओं में पानी की किल्लत है, उसके हम इस वक्त किस पोजीशन में है, रबी से पहले के, कि हम अपने डैम के स्पिलवेज खोलने की पोजीशन में आ गए हैं या नहीं। दूसरा ये कि जो हमारे किसान बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं, तो हम उनके लिए कोई कंपनसेट, क्योंकि उनकी फसलें खासतौर पे चावल की कास्ट कम हुई, कॉस्ट बढ़ गई और उसकी क्वालिटी भी कम हो गई। यार डैम्स की पोजीशन इस वक्त जमखान क्या है तरवेला की, मुझे नंबर्स हैं, लेकिन स्पिलवेज विलवेज तो नहीं खुलते, स्पिलवेज तो बाद की बात है। आपके डैम जो है 30 सितंबर तक भर जाएँ और खरीफ के लिए आप, सॉरी रबी के लिए आपके पास पानी हो तो बड़ी बात है। और ये एक बड़ा, जो लोग डैम की बातें करते हैं ना, उनके लिए अब मैं हमेशा कहता हूँ, ये बड़ा, हमारे पास कौन से डैम है इस वक्त बड़े, तरबेला है, मंगला है, ये दो बड़े डैम हैं हम, और आपके पास पानी ज़्यादा खरीफ में आता है ना, ये कहते हैं जी 3 महीने बहुत पानी आता है और उसके बाद नहीं आता, क्या तरबेला की आज क्या है हाइट वो लेवल 1541-1550 इसकी फुल वैल्यू होती है, 1232 उसकी शायद है, कितनी है मुझे याद नहीं इस वक्त, सही भूल गया हूँ पुराने। मेरा सवाल यही है आपसे, ये दो डैम नहीं भरे जा रहे, लोग प्यासे मर रहे हैं इस वक्त, बदीन में जाके हालात देख लें, मैं
जब मेरे भाई ने बात की उधर जोही और दादू और सेवन में हालात देख ले, और आप कह रहे हैं और डैम बनाओ, हवा से भरोगे? मैं तो हमेशा ये कहता हूं, ये तो आपके सामने है ना। इस वक्त लेट से एक तीसरा डैम होता ABCD नाम का, उसमें तो एक बूंद पानी नहीं होती, हवा होती, जब ये दो नहीं भरे। मेरा ये बहुत सिंपल है और मैं हमेशा ये कहता हूँ, यस पानी सरप्लस आता है, चौथे पांचवें साल बहुत ज़्यादा पानी आता है, फ्लड्स आते हैं, एक बार जो साइकिल चलता है। तो क्या आप डैम बनाओगे एक बड़ा शानदार, जिसमें आप अरबों डॉलर खर्च करोगे कि पांचवें साल उसको भरा जाए? आप नहीं भरोगे ना, आप हर साल भरोगे। अगर आप हर साल भरोगे तो इधर जो इस वक्त पानी की शदीद कमी है उसमें इजाफा होगा। बहुत सिंपल, यू नो, और कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ ना, लोग बैंक बनाते हैं ना, बैंक होता है कि यार लोगों के पास सरप्लस कैश होगा उधर जमा करेंगे, अगर सरप्लस कैश ही नहीं होगा तो जमा कौन करेगा? इधर सरप्लस पानी नहीं है, पानी की शॉर्टेज है, इसलिए डैम नहीं बन सकते। बाकी जो कुछ आप कहानियाँ आपने देनी है, अगर आपको अपनी स्कीमें बनाने के लिए एक अच्छी पिक्चर देनी है तो आप दे दें, आप मुझे सेल नहीं कर सकते ये अपनी चीज़।